भारतीय सीमाओं पर तैनात भारतीय जवानों के लिए जांजगीर चांपा जिले से राखियां भेजी गई हैं। कलेक्टर ऋचा पारा चौधरी के निर्देशन में अपर कलेक्टर एस पी वैद के हाथों भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ जिला जांजगीर चांपा को यह राखियां सुपुर्द की गई है। इस दौरान वंदे मातरम भारत माता की जयकारों के साथ गाँवों व शहरों से एकत्रित राखियां को जिला मुख्यालय से बिलासपुर के लिए रवाना किया गया, जहाँ पर संभाग के सभी जिलों के राखियां को एकत्रित कर नई दिल्ली रवाना किया जाएगा। जिले से भेजी गई राखियां लगभग 76 राखियां सेना के जवानों की कलाई पर बंधेगी। सूत्र जो चलाए थे हमने, उसके अंतर्गत जांजगीर जिला के समर्थ भूतपूर्व सैनिक संघों ने और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग 65,000 राखी एकत्रित किए हैं, जो अलग अलग संस्थाओं से, स्कूलों से, कॉलेजों से और हमारे जितने भी बहनें हैं अलग अलग मंडल द्वारा, संघ द्वारा, संगठन द्वारा सभी इकट्ठा करके आज हम हमारे कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ में और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी के मैम लोग के हाथों से, हमारी बहन के हाथों से आज हम इनको भारत की उन सीमाओं तक जो हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे, ताकि रक्षाबंधन के पर्व पर उनके हाथ सुना न रहे और हमारे छत्तीसगढ़ के राखी हर हमारे जवान के हाथ के कलाई में चमकती रहे और हमारी मिट्टी उनके माथे पर लगी रहे।